केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअल नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल प्रॉपर्ट आफ्टर फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें करना है प्रॉपर्टीज अलग से बताऊंगा ही बताऊंगा लेकिन कुछ चीजें बताना चाहूंगा अभी एडिशनल में इम्पोर्टेंट है ये एडिशनल तो नहीं कह सकते इट्स इम्पोर्टेंट अभी हम प्रॉपर्टीज करेंगे आगे लेकिन मैं अभी पहले आपको सिखाऊंगा एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज न्यूक्लियो फाइल अलग से लिख लो इसको आप बॉक्स में लिख सकते हो इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेम्बर में लिख सकते हो न्यूक्लियो फाइल क्या होता है और ये हमने किया हुआ है और इसके लिए अगर न्यूक्लियो फाइल है तो रिएजेंट क्या है फिर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज कराऊंगा ठीक है अभी जस्ट अभी अगर आप नहीं भी लिखोगे केमिकल प्रॉपर्टीज डायरेक्ट लिखो रिमेम्बर इंपॉर्टेंट चीज करेक्ट ये इंपॉर्टेंट है सपोज इसको अगर आपने लिख लिया तो कोई बात नहीं काटना नहीं यहां पर हम लिखेंगे थिंग्स टू रिमेंबर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये न्यूक्लियोफाइल एंड रिएजेंट्स न्यूक्लियोफाइल क्या है और उसको उस न्यूक्लियोफाइल को बनाने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा ये है अब हमारे पास बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल्स हैं नाइन न्यूक्लियोफाइल्स बताता हूं सबसे पहला इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफाइल है ओएच नेगेटिव याद रहे क्योंकि आपको पता है मैंने पहले ही कराया था ना अगर आपको याद होगा मैंने पहले ही बताया था nucleophiles are nucleus loving they are negatively charged or neutral species containing lone pair of electrons right so oh negative is a nucleophile it is it is attracted towards positive center because nucleus loving means nucleophile means those species which are attracted towards positive center nucleus is a representative of positive charge oh negative देखो जहां पर भी आपको ओएच नेगेटिव से रिएक्शन करनी है तो अब रिएक्शन कैसे करनी है क्या वो मैं आगे बताऊंगा तो ओएच नेगेटिव चाहिए अगर मैं आपको कहूँ जरा मुझे ओएच नेगेटिव दे दो तो। आप ओएच नेगेटिव अलग से नहीं ले सकते इसकी एग्जिस्टेंस अलग से नहीं है आपको एक्वस एन्यच देना पड़ेगा पानी में एनूएच है और एनए प्लस भी है ओएच नेगेटिव भी है आप कहेंगे ये लो सर एक्वस एनो एच दे देंगे उसमें ओएच नेगेटिव या कोई भी एक्वस के होगा पानी में डाला हुआ के होगा उसमें भी के प्लस अलग और ओएच नेगेटिव अलग राइट ना फर्स्ट न्यूक्लियोफाइल्स ओएच नेगेटिव तो ओएच नेगेटिव से जब भी हमें रिएक्शन करनी है वी हैव टू टेक एक्वस एन ओ या एक्वस क्यूएच दोनों में से जो आपको मर्जी है करेक्ट अब दूसरा मैं लेता हूं सीएन नेगेटिव देखो बेटा मगर ये चार्ज जो है ना ये पहले एटम पर होती है ओएच तो का मतलब एच पर नेगेटिव चार्ज नहीं है ओ पर है सीएन नेगेटिव का मतलब सी पर नेगेटिव चार्ज है करेक्ट हम लिखते हैं तो एंड में लेकिन होती है असल में ये पहले एटम पर जब भी आपको सी एच चाहिए सी एच याद रखना है एनसीएन या केसीएन एन एस सी एन और के सी एन एन एस एन का सी एन का स्ट्रक्चर भी मैं साथ में बताऊंगा एक्चुअली इट इज एन ए प्लस अलग जब इसको पानी डाल दो कोई चिंता नहीं सी एन सी ट्रिपल बॉन्ड एन लाइक दिस इट लाइक दिस ऐसे होता है सी एन तभी मैंने कहा सी पर नेगेटिव चार्ज एन ए प्लस सी नेगेटिव ये दूसरा है हमारा न्यूक्लियोफाइल याद रहे सेकंड न्यूक्लियोफाइल नो थर्ड न्यूक्लियोफाइल एन अब देखो बड़ा है। चार्ज और एन एन हियर पहला सी पर नेगेटिव चार्ज दूसरे एन पर नेगेटिव चार्ज अगर एन हमें चाहिए वी हैव टू तो टेक ए अब आप बताएंगे एनी सी तभी मैंने स्ट्रक्चर तो बताया अब देखो फर्क क्या है एजीसीएन का स्ट्रक्चर लाइक दिस है एजी सिंगल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड एन अब कोई बता सकता मुझे कि फरक क्या है एनए सी एन आईनिक है एजी डैश मतलब कोवलेंट बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड एन अब जब यहां पर अटैक करना है न्यूक्लियोफाइल एक्ट करना है वो एन ही करेगा उस पर लॉन पे इलेक्ट्रॉन है सी नहीं कर सकता है सो अल्टीमेटली जब ब्रेक हो जाता बॉन्ड तो एन पर ही सारे क्वेश्चन आएंगे आगे वाले प्रॉपर्टीज के मेन रिएक्शन जो इसकी है जिसका मैकेनिज्म है इसके टाइप्स है एस एन वन एस एन टू सब कुछ समझ आएगा प्रोवाइडेड यू नो दिस अगर अभी कभी भी ओ से आपको नाइट्राइट ओ एन ओ नाइट्राइट इससे कभी भी आपको बॉन्ड बनाना है तो देखो क्या होता है ओ नेगेटिव के एन ओ टू या एनएनओ टू केएनओ टू से या एनएनओ टू अब इसका स्ट्रक्चर समझ आएगा आपको तब आपको समझ आएगा एक तो एनए प्लस है सब एनएनओ टू का मैं दिखा रहा हूं और NO2 नेगेटिव लेकिन NO2 नेगेटिव ऐसे होता है NO2 नेगेटिव लाइक दिस लाइक दिस ऊपर नेगेटिव चार्ज NaNO2 आयनिक कंपाउंड Na+ ONO नेगेटिव सो तो O से बॉन्डिंग होगी O अटैक करेगा O न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा O यहां पर न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और दूसरा ध्यान से सुनिएगा दैट इज अगर एनओ टू से एन से बॉन्डिंग होगी तब एनओ टू ही लिखेंगे तो ये एजी एनओ टू है इसके लिए ए जी का से हमेशा क्या कौन सा बॉन्ड होता है कोवलेंट बॉन्ड देखो स्ट्रक्चर देखो ध्यान से देख लो एजी सिंगल बॉन्ड ओ एनओ तो फिर इलेक्ट्रोफाइल कौन करेगा यहाँ पर एन जिसका लोन पेयर है यही लोन पेयर वाला मैंने पहले कहा था न्यूक्लियोफाइल होता है जिस पर न्यूक्लियोफाइल होता है जिस पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है राइट सो ये हमने बताए कितने पांच न्यूक्लियोफाइल्स वेरी इंपॉर्टेंट सो कल को मैं बताऊंगा जरा ओ नेगेटिव से रिप्लेसमेंट कर लो किसी चीज को तो आप कहेंगे के से रिएक्शन करेंगे सर तभी तो आयनो बनेगा मैं कहूंगा सीएन नेगेटिव से चाहिए मुझे तो आप कहेंगे एन से रिएक्शन होनी चाहिए ओएच नेगेटिव से रिप्लेसमेंट करना है तो आपका आंसर होना चाहिए तुरंत सर एक बार एनएच डालेंगे या एक बार केओएच डालेंगे ये पहले पांच और पांच अब और पांच अब नेक्स्ट वन ठीक है अभी तक ओ और नेगेटिव अल्कोक्साइड फिर नाम शाम जो भी आएगा वो मैं आगे दिखाऊंगा ओ आर नेगेटिव बनता है एन ए ओ आर से याद रहे किसे एन ए आर सोडियम अल्कोक्साइड डालना पड़ेगा तभी ओ आर नेगेटिव ओ आर का मतलब होता है जैसे ओ सी एच थ्री जैसे ओ सी एच थ्री बनाना हमने नेगेटिव चार्ज पहले पर तो हम क्या लेंगे एन ए ओ सी एच थ्री के साथ बॉन्ड बनाएंगे na+ plus अलग और o ch3 अलग ये na+ plus है o ch3 अलग हो जाएगा आयनिक कंपाउंड है ये भी ये नेक्स्ट था अब नेक्स्ट वाला मैं दिखाता हूं नेक्स्ट वन o r के बाद मैं बता r co o नेगेटिव ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि o नेगेटिव है आर सी ओ हो आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ नेगेटिव अगर मैं इसको दिखाऊं भी समझने के लिए आर सी डबल बॉन्ड ओ यहाँ ठीक है लेकिन इस ओ पर नेगेटिव नेगेटिव सेंटर यही है तो ये बनता है हमें आर सी ओ ए जी से ये डालना पड़ेगा या अगर मैं कोई ले लूंगा इसमें सपोज आर की जगह सी एच थ्री सी ओ ओ नेगेटिव चाहिए मुझे तो रिएक्शन किससे कराऊंगा मैं फिर सी एच थ्री सी ओ ए जी से रिएक्शन होनी चाहिए राइट नेक्स्ट है एस एच नेगेटिव एस पर नेगेटिव चार्ज है ये एन ए एस एच से करेंगे एन ए एस एच एन एस एच एन ए प्लस एस एच नेगेटिव एस पर नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा और लास्ट वन इज अमोनिया बिकॉज मैंने कहा था वहां पर न्यूट्रल स्पीशीज भी न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं लेकिन कैसे न्यूट्रल स्पीशीज जिनमें ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या अमोनिया डायरेक्टली मैं कह रहा अमोनिया या ऐसे करते हैं जब अमोनिया अल्टीमेटली देगा ना ये एनएच टू नेगेटिव देगा ऐसे कर सकते हैं एनएच टू नेगेटिव ये आएगा अमोनिया से इसके लिए अमोनिया चाहे अगर किसी जगह पर आपको nh2 नेगेटिव से रिप्लेसमेंट करनी है तो आप अमोनिया ले सकते हो h+ अलग हो जाएगा nh2 नेगेटिव अलग आ सकता इसमें. So, nine. Nine है इसमें सो दीज आर नाइन ये नाइन केमिकल रिएक्शन से आगे जो हमने करनी है रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट सो सबसे पहले मैंने आज आपको बताया न्यूक्लियोफाइल्स कितने हैं हमारे पास न्यूक्लियोफाइल्स नाइन है oh c नेगेटिव ncno no2 नेगेटिव अब हम जाएंगे अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज अब हम लिखेंगे क्वेश्चन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ या अल्काइल अल्का इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अब हम करने जा रहे हैं अब देखो बड़ा हेलो अल्केन है ना आर एक्स है ना आर मैं एक टेबलेटेड फॉर्म में पहले दिखाता हूं टेबलेटेड फॉर्म में जो आज आपको याद रखना है फिर हम करेंगे कलियर रिएक्शंस क्वेश्चन है जो ये आर एक्स है हमारा जो आर एक्स है डायरेक्ट आर एक्स ले सकते हो आर एक्स जो अल्केन जो हमारे पास है इस हेलो अल्केन में क्या क्या प्रॉपर्टी शो करता है आर एक्स अब सबसे पहला यही इस एक्स को एक्स नेगेटिव देखो जब निकलेगा एक्स एक्स निकलेगा एक्स नेगेटिव क्या निकलेगा एक्स नेगेटिव एक्स नेगेटिव क्या है न्यूक्लियोफाइल उसको हम इन सारे न्यूक्लियोफाइल से सब्सिट्यूट कर सकते हैं एक्स नेगेटिव की जगह ओएच नेगेटिव डाल सकते हैं सीएन नेगेटिव डाल सकते हैं एनसी ओ एनओ टू लिख सकते हैं या R -C -O -S -H -N -H, सारे रिप्लेस कर सकते हैं सो so एक न्यूक्लियो सीधी सी बात है अगर हमें बैट्समैन को रिप्लेस करना है तो हम बैट्समैन से ही रिप्लेस करेंगे ना अगर बॉलर को रिप्लेस करना है बॉलर से रिप्लेस करेंगे अगर विकेट कीपर बैट्समैन को विकेट कीपर बैट्समैन से तो न्यूक्लियोफाइल को एक्स नेगेटिव को रिप्लेस करना क्योंकि एक्स निकलेगा इन दो इलेक्ट्रॉन के साथ तो न्यूक्लियो न्यूक्लियोफाइल से साथ रिप्लेस करेंगे तो सबसे पहला फिर जो इसमें है याद रहे प्रॉपर्टी uh, जो इसकी है अब बताइए कौन सी प्रॉपर्टी है सबसे पहले फिर ये एक प्रॉपर्टी दो प्रॉपर्टी तीन प्रॉपर्टी चार प्रॉपर्टी इट हैज गॉट फोर प्रॉपर्टीज ऑन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अब ये चार प्रॉपर्टीज क्या है अभी मैंने कहा था ये है बेटा कि न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करो तो सबसे पहली प्रॉपर्टी यही है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरे न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट कर लो और हमें न्यूक्लियोफाइल्स पता है तो लिखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब सीएल नेगेटिव की जगह नेगेटिव डालेंगे या नेगेटिव की जगह ओ एच नेगेटिव डालेंगे रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन ये फर्स्ट वन है अब सेकंड बता रहा हूं नॉर्मल डिहाइड्रोहेलोजनेशन देखो Cl से ये एक्स भी निकाल सकते हो और एडजेसेंट कार्बन पर हाइड्रोजन भी निकाल सकते हो डिहाइड्रो मतलब हाइड्रोजन निकालो हेलोजनेशन हेलोजन halogen भी निकालो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन इसका मतलब है कि दोनों चीज निकालो करेक्ट तीसरी रिएक्शन हम कैसे निकालेंगे वो मैं दिखाऊंगा आपको थर्ड इज रिडक्शन इसको हम रिडक्शन भी कर सकते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर सकते हैं सीएल को निकालेंगे एच रिप्लेस करेंगे reduction दिखाएंगे और लास्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल्स फोर्थ रिएक्शन और रिएक्शन विद मेटल्स और रिएक्शन विद मेटल्स करेक्ट सो वी आर हैव फोर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डीहाइड्रोजन डीहाइड्रो रिडक्शन एंड A reaction with metals.